शहर में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन 26 जनवरी से किया जा रहा है। प्रतियोगिता के दौरान शहर में बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल्स, क्रिकेट, फुटबॉल तथा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उक्त सभी प्रतियोगिताओं में शहर के सभी 60 वार्डों की टीमों के खिलाड़ी भाग लेंगे। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के लिए शहर में 6 स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें राजकीय पटेल स्कूल, छावनी गर्ल्स स्कूल, मोहम्मद अली स्कूल, आशापुरा माता मंदिर, SD कॉलेज तथा जैन गुरुकुल स्कूल आदि शामिल है। प्रतियोगिता आयोजन के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से सभी खेल मैदानों की साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। परिषद आयुक्त गुरुदीप सिंह की ओर से साफ सफाई के लिए जारी निर्देशों में स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन तथा KC मीणा को उक्त कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है। नगर परिषद की गैराज शाखा प्रभारी रतन सिंह पंवार ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए शहर में 6 खेल मैदानों को चिन्हित किया गया है और शुक्रवार को परिषद आयुक्त के निर्देश पर सभी खेल मैदानों की साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। ब्यावर शहर क्षेत्र में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता जो प्रारंभ की जा रही है राज्य सरकार के निर्देशानुसार 26 जनवरी से ये खेल प्रारंभ होंगे। उप संदर्भ में परिषद द्वारा 6 चिन्हित स्थान जो राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पटेल, छावनी गर्ल्स, मोहम्मद अली स्कूल बस स्टैंड के सामने, गवर्नमेंट कॉलेज और आशापुरा माता मंदिर और एक जैन गुरुकुल, इस प्रकार से 6 चिन्हित स्थल है। उक्त स्कूलों के जो मैदान है उस मैदानों में परिषद के हमारे दोनों इंस्पेक्टरों को और क्षेत्रीय जमादारों को पाबंद किया गया है। आवश्यकता अनुसार जो भी मैदान में साफ सफाई और उचित कार्य हेतु संसाधन उपलब्ध कराए जाने हैं उसके संदर्भ में हम इनको संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं और खेल मैदान को साफ सफाई कराई जा रही है।